बाबा भोले की नगरी बैद्यनाथ धाम की यात्रा करना अब बेहद आसान हो गया है। जी हां, दरअसल रविवार यानी कि आज से बिहार के श्रद्धालुओं के लिए हवाई सेवा की शुरुआत हो रही है। रविवार यानी कि आज से पटना और देवघर के बीच हवाई सफर शुरू हो रहा है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। दोनों शहरों के बीच मात्र एक घंटे में सफर पूरा किया जा सकेगा। रविवार को पहली देवघर से फ्लाइट जो है वो शुरू होगी और पटना पहुंचेगी, जो वापसी से फिर पटना से देवघर के लिए उड़ान भरेगी। बाबा धाम से पटना के लिए शुरू हो रही इस विमान सेवा की शुरुआत रविवार को सुबह 11:15 से शुरू होगी, जो कि 11:15 बजे जो विमान है वो देवघर से उड़ान भरकर 12:15 में पटना पहुंचेगी। फिर वापसी में पटना से 12:35 में उड़ान भरकर ये विमान 1:35 में देवघर पहुंचेगी। दोनों शहरों के बीच सिर्फ एक घंटे में अब सफर जो है वो पूरा हो जाएगा। एयरपोर्ट प्राधिकरण के अनुसार फिलहाल ये विमान सेवा सप्ताह में 4 दिनों के लिए ही होगी। दरअसल देवघर में हवाई अड्डे की शुरुआत होने के बाद से पटना के लिए विमान सेवा शुरू होने की बात की जा रही थी। अब इसे साकार करते हुए दोनों शहर हवाई नक्शे पर एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। विमान सेवा की शुरुआत होने से न सिर्फ बड़ी संख्या में बिहार से देवघर जाने वाले बाबा भोले के भक्तों को बड़ी राहत मिलेगी, बल्कि इससे आम यात्रियों को भी सुविधा होगा। मौजूदा समय में पटना से देश के कई अन्य शहरों के लिए हवाई सेवाएं संचालित है। ऐसे में अब देवघर और झारखंड के अन्य सीमाई जिलों से मात्र एक घंटे में पटना आकर यात्री आगे की कनेक्टिंग फ्लाइट पटना से पकड़ सकते हैं। झारखंड में रांची के बाद देवघर दूसरा हवाई अड्डा है जहां से नागरिक उड्डयन सेवा संचालित है। अब पटना और देवघर के एक दूसरे से हवाई सेवाओं से जुड़ने से बिहार और झारखंड के कई जिलों का सफर महज कुछ घंटों में पूरा हो सकेगा, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है।